दोस्तों इसमें बायोस में आने के लिए हमें डेल बटन का उपयोग करना है। ये हमारे MSI का मदरबोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है H510M A Pro, है ना। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड हमारा इंटेल सीरीज़ को सपोर्ट करता है जो कि इंटेल i3, i5, i7, 10th और 11th जनरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इस PC में हमारे पास 16 GB की रैम है जो कि 3200 MHz की है। BIOS वर्जन इसमें दिया हुआ है। BIOS बिल्ड डेट आप देख सकते हैं इसमें 6/11/2023 की है। तो आज दोस्तों मैं इस BIOS में कैसे क्या सेटिंग अपन कर सकते हैं या पेन ड्राइव वगैरह अगर बूट करना है तो उसकी क्या सेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस है। इसमें ये टाइमिंग हमारी दे रहा है 12:30 वेडनेसडे 4 सितंबर 2024। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखी है। CPU स्पीड 2.60 GHz का है और जो हमारा मेमोरी है रैम है वो 3200 MHz की इसमें लगी हुई है। तो आप देखें यहाँ पे CPU की पूरी डिटेल्स दे रहा है। CPU रेशियो, कोर नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल सकती है। ये मेमोरी हमारी जो रैम लगी है वो 16 GB की है, कितने मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही है जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टोरेज में जाकर के आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लगी है जो कि 1 TB की हार्ड डिस्क है और एक हमारी NVMe स्लॉट में हमारी एक SSD लगी जो कि 512 GB की SSD है। फ़ैन इंफॉर्मेशन से आप फ़ैन की वर्किंग रीड कर सकते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हेल्प में जा करके भी आप ये सारे फीचर्स को, जैसा कि ये दिखा रहा है कि कौन से एरो की से मूव होगा कर्सर, एंटर से सिलेक्ट होगा, प्लस माइनस से वैल्यू चेंज होगी, एस्केप एग्जिट के लिए, F1 जनरल हेल्प के लिए, F2 फेवरेट असिस्टेंट के लिए है, इस प्रकार के आपको जो भी ऑप्शंस चलाने हो यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखा रही है। तो ये तो अपना जो हमारे BIOS का ओवरव्यू होता है, जो सामने दिखता है वो सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा जो हमारे विंडो को बूट कराने के लिए या पेन ड्राइव को बूट कराने के लिए रहता है, आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन देखेंगे सबसे ऊपर, ये आप F7 बटन से भी एडवांस ऑप्शन चालू हो सकता है। तो जैसे अगर आप कीबोर्ड के F7 बटन दबाएं या माउस से यहाँ पे क्लिक करें, ये सेटिंग हमारे सामने खुलकर सामने आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग में, यहाँ पे हमें सिस्टम स्टेटस दिखा रहा है जो कि ये पूरा सिस्टम का स्टेटस दिखा रहा है कि हमारे में कौन सी हार्ड डिस्क है, क्या NVMe लगी हुई है, कौन सा वर्जन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखाई देगी। ये पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं आपके PC के बारे में। दूसरी चीज़ है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में भी आपको कई सेटिंग्स यहाँ पे दिखाता है। USB कॉन्फ़िगरेशन हमारी पेन ड्राइव लगी है या नहीं लगी है, उसको बूट कराना है, इनेबल डिसेबल के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। दूसरी चीज़ है हमारा BIOS सिक्योर इरेजर। सिक्योर इरेजर इस ऑप्शन को आपको नहीं छूना दोस्तों, क्योंकि अगर अपन इस ऑप्शन को यस करते हैं तो ये हमारे पूरे जो भी हमारी SSD है उसका डेटा को इरेज कर देगा। यहाँ पे लिखा है विल डिलीट ऑल डेटा एंड पार्टीशन ऑन योर सिलेक्टेड SSD। तो हमें इस ऑप्शन को कभी भी नहीं छूना है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा डाटा उड़ जाएगा। तो आप इस ऑप्शन से दूर रहें। यह हमारा एक ऑप्शन है बूट का, ये ऑप्शन हमारे काम का रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जो हमारा हार्ड डिस्क दिखा रहा है UEFI मोड पे है। अगर हमने हमारी पेन ड्राइव को लगाए हुए हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे UEFI हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी में। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे हमको हमारी पेन ड्राइव की शो करेगी। मैं एक मिनट आपको लगा के दिखा देता हूँ। आप देखेंगे अभी मैंने इसमें एक पेन ड्राइव को बूट कराया हूँ। हम पहले एडवांस ऑप्शन में चलते हैं, सेटिंग में। ये हमारा बूट ऑप्शन है। बूट ऑप्शन में जैसा कि मैंने ये आपको दिखाया रहा कि आपको जिस भी चीज़ पे हमारी विंडो को बूट कराना है, ये हमारी हार्ड डिस्क की ड्राइव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमको हार्ड डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और यहाँ पे USB की का हमारा दिखा रहा है सैंडिस्क की पेन ड्राइव का। तो
दोस्तों जब भी अपन यहाँ पे बूटिंग करेंगे, जैसे कि हमको फर्स्ट बूट डिवाइस पे लेना है, तो हम यहाँ से सैनडिस्क को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम सैनडिस्क को सिलेक्ट करेंगे तो अब जब भी हमारा पीसी रिस्टार्ट होगा तो वो हमारे पेन ड्राइव पे बूट होगा और हम विंडो डालने के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर पेन ड्राइव पे बूट हो चुका है तो हम इसको वापस विंडोज़ बूट मैनेजर पर सेट करेंगे, तो ये पीसी हमारा हार्ड डिस्क पे बूट होगा। जो हार्ड डिस्क में हमारी विंडोज़ डली है ये उस चीज़ को रीड करके आगे इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो जो मेन ऑप्शन रहता है पेन ड्राइव को बूट कराने का, वो यही बस रहता है कि आपको F7 से एडवांस मोड में आके सेटिंग में आकर के आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ दोस्तों बाहर से भी रहता है, अगर आप देखेंगे हम नॉर्मल मोड में भी रहेंगे तो यहाँ पे लिखा है बूट प्रायोरिटी, यहाँ पे भी आप पढ़ करके UFI अभी हार्ड डिस्क बूट पे दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे USB के लिए दिखा रहा है, तो यहाँ से भी आप अपनी बूट डिवाइस को, जैसे कि ये हमारा शो कर रहा है सैनडिस्क की पेन ड्राइव है, अगर आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो भी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपको इसको माउस के एरो से पकड़ करके आगे तक ड्रैग करा देना है, तब फर्स्ट बूट डिवाइस हमारी पेन ड्राइव बन चुकी है। या तो आप यहाँ से कर लें या तो फिर आप एडवांस मोड में जा करके सेटिंग के अंदर जा करके बूट से कर लें, जो कि हमारा बेसिक है जो हम हमेशा से करते आए हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हमें विंडो डली हुई है तो हम इसको वापस इसी पर सेट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका बायोस सेट करके अपनी पेन ड्राइव को बूट करा सकते हैं और विंडो चाहे 10 हो 11 हो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और बायोस से बाहर जाने के लिए दोस्तों हमें 7 exit ऑप्शंस पे जाना रहता है। 7 exit करके आप बायोस को सेव करके बाहर आ सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। आप इस ऑप्शन के द्वारा अपने बायोस को सेव करके बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।